हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं एमएस वर्ड का इंसर्ट और पेज लेआउट टैब के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बात करी अपना होम टैब और अपने ऑफिस बटन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेज लेआउट एंड इंसर्ट टैब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब, यहाँ से आपको क्या चीज़ें मतलब प्रोवाइड होती हैं। तो जब भी आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ नई चीज़ ऐड करनी है, उसके लिए आपको हेल्प करता है आपका इंसर्ट टैब। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से इंसर्ट टैब को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट की के साथ एन, ऑल्ट की के साथ आपको एन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट जब भी आप प्रेस करते हैं, आपकी सारे जो भी रिबन के टैब्स होते हैं या जितने भी ऑप्शंस होते हैं, उनका हाईलाइट हो जाता है कि कौन से करेक्टर को प्रेस करके कौन सी चीज़ आपकी ओपन होनी है। तो ऑल्ट एन करके आप लोग अपना इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे। जैसे ही इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे, इसमें आपको वेरियस ग्रुप्स मिलेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप इसमें आता है पेजेस। पेजेस ग्रुप में आपके पास क्या मिलता है आपको, मतलब यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है कवर पेज, उसके बाद आपका आता है ब्लैंक पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कवर पेज, कवर पेज किस चीज़ में हेल्प करता है। अब मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आप चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के लिए एक बाहर वाला पेज जो कवर पेज होता है, मीन जैसे बुक का कवर होता है आपका बना हुआ, उस हिसाब से मुझे एक स्टाइलिश सा पेज जो है वो प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको कवर पेज ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको इसका मतलब डायलॉग बॉक्स या जो भी इससे रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं वो ओपन होती हैं। यहाँ पे वेरियस पेजेस होंगे और सब पेजेस के अलग अलग आपके डिजाइन्स होंगे। तो आप अपनी मर्जी से कोई एक डिजाइन अपना सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैंने कोई एक डिजाइन अपना सिलेक्ट किया है, जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपके जो मेन डॉक्यूमेंट होगा उस पे ये कवर पेज आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको कुछ एक चेंजेस करने हैं, मीन्स डिजाइन ऑलरेडी आपका बना होगा यहाँ पे। ठीक है, पूरी कस्टमाइज आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है, डिजाइन्स हैं, कलर्स हैं, सब कुछ है। आपने जस्ट अपने हिसाब से जो है इसमें अगर टाइटल अपने टेक्स्ट का डालना है, या फिर अपने ऑथर का नेम आपने ऐड करना है, ठीक है, या फिर आपने थोड़ा सा कंटेंट ऐड करना है, तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज जो है इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका ब्लैंक पेज। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में बिल्कुल न्यू पेज ऐड करना है, मीन्स ब्लैंक पेज मीन्स कि आप चाहते हैं बिल्कुल नया पेज ऐड करना है, बिल्कुल ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो उसके लिए आपको इस पे ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट एक पेज आपके पास आता ही है। और जैसे ही आप अपने वर्ड में काम करते हैं, और काम करते करते अगर आप अपने वर्ड के किसी जो फर्स्ट पेज आपका है ना, उसके बिलो में आप पहुंच जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे नेक्स्ट पेज आपका ऐड हो जाता है। बट अगर आपको लगता है कि मैंने मल्टीपल पेजेस प्रिपेयर करे हैं, सपोज आई हैव 5 पेजेस, 1 to 5, लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड पेज के बाद मुझे एक ब्लैंक पेज डालने का नीड है और वहाँ पे मुझे कुछ और एडिटिंग करना है, ठीक है, तो थर्ड पेज के बाद आप अपना ब्लैंक पेज पे क्लिक करके अपने आप से एक फोर्थ पेज जो है वो नया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक पेज आपको न्यू पेज इंसर्ट करने की परमिशन देगा, हेल्प करेगा। उसके बाद जो थर्ड पेजेस ग्रुप में आपको मिलेगा, दैट्स योर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, अब ये पेज ब्रेक क्या करता है? पेज ब्रेक आपका करंट पोजीशन से आपके पेज को ब्रेक डाउन कर देता है, मींस ये स्प्लिट कर देता है आपके पेज को, ठीक है, टू पार्ट्स में, स्प्लिट इन टू पार्ट्स। अब देखिए, अगर आप किसी बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे पेज ब्रेक यूज कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली सेकंड पेज जो है वो इंसर्ट हो जाता है। और पेज ब्रेक अगर आपने लगाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर, ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है कि पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी की आपकी यूज होती है, दैट्स योर कंट्रोल प्लस एंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कंट्रोल प्लस एंटर। और अगर ब्लैंक पेज आप मतलब कहीं पे बिल्कुल ब्लैंक पेपर आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन वहां पे आप किसी ब्लैंक पेपर पे कंट्रोल एंटर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नया पेज भी ऐड कर देता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ब्लैंक पेज पे अगर आप कंट्रोल एंटर करें, तो वो नया पेज भी आपके पास जो है वो डाल देगा। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक हो गया।
मेन काम है स्प्लिट करना। अगर किसी पेपर में आपने लिखा है, सपोज आपने डाटा लिखा है, आप बीच में से किसी पैराग्राफ में से चाहते हैं कि यहाँ से मेरा पेज ब्रेक होके मीन्स स्प्लिट कर जाए और दो पेज मेरे डिवाइड हो जाए, तो जहाँ भी नीड है आपको वहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दीजिए या फिर पेज ब्रेक ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये पेज ब्रेक ऑप्शन चलेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करते हैं। पहला ग्रुप डिस्कस किया हमने पेजेस, ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने पेजेस। अब सेकंड ग्रुप इसमें आता है टेबल्स, ठीक है, तो टेबल्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं। टेबल्स ग्रुप आपको क्या जो है वो परमिशन देता है। पहले बात तो टेबल होता क्या है आपका, तो ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम्स जिसको हम टेबल बोलते हैं, मीन्स आपकी रोज और कॉलम जो है वो इस तरह से आपस में मिलेंगी तो आपका एक टेबल बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेबल अगर आपको नीड पड़ता है कि मुझे कहीं पे टेबुलर फॉर्म में डाटा प्रिपेयर करना है, देन आप इस ऑप्शन का जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाके टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है आपका टेबल। तो टेबल आप कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला वे कौन सा है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी ग्रिड बना हुआ मिलेगा, ओके, इस तरह का ग्रिड आपको शो होगा। आप सिलेक्शन करके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आपको मिलता है आप टेबल्स ऑप्शन में से इंसर्ट मतलब रो एंड कॉलम का खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल ऑप्शन में जाके एक जब भी आप क्रिएट टेबल या रो एंड कॉलम ऑप्शन को चूज करेंगे, आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ पे रोज और कॉल्स दोनों का नंबर आपने खुद से देना है, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का आपने ये इस तरह से टेबल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक और बात आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि टेबल मैंने खुद से ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉ टेबल ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ड्रॉ टेबल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ड्रॉ टेबल ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो ड्रॉ टेबल जो होता है आपको ऑप्शन वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, आप कस्टमाइज्ड टेबल अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड टेबल। इट मींस कि अगर टेबल में आप चाहते हैं कि मुझे कहीं से मेरा कोई रो या किसी सेल को स्प्लिट करना है या मर्ज करना है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेंसिल टूल आपको मिलेगा एक इसमें, और उस पेंसिल टूल से आपने खुद से अपना टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। अगर किसी रो और या किसी लाइन को इरेज करना है तो इरेजर टूल की हेल्प से आप उसको इरेज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक्सेल शीट से भी जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि आपने अपने आप से जो है वो टेबल जो ग्रिड है वहाँ से क्लियर मतलब पिकअप करना है रोज एंड कॉलम। दूसरा हो गया क्रिएट टेबल, जो यहाँ पे आपको टेबल ग्रुप में ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम खुद देने पड़ते हैं। तीसरा हो गया ड्रॉ टेबल, जहाँ पे पेंसिल टूल की हेल्प से काम करना है। एक आपके पास आप एक्सेल शीट से भी अपना जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस आपको मिलते हैं टेबल क्रिएट करने की। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आपके पास आते हैं, दैट्स योर इलस्ट्रेशंस, ISTRATIONS, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपके पास इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको क्या चीज प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे मेन पार्ट है इलस्ट्रेशन भी, क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चार्ट कहाँ से डालेंगे, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट कहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है आपका, वो आपको वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऐड करने की परमिशन देता है। पहला पिक्चर्स आप इसमें डाल सकते हैं, दूसरा आप इसमें क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, तीसरा आप इसमें अपने चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स, ठीक है, और एक शेप्स, इस तरह से पांच छह चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड करेंगे, पिक्चर, क्लिप आर्ट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, जो भी आप ऐड करेंगे, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं मीन्स अलग से सिंपल टेक्स्ट को छोड़ के, आपके पास 7 tabs ऑलरेडी होती हैं आपके वर्ड में या जो भी ऑफिस के होते हैं आपके जितने भी एप्लीकेशंस आगे, तो आपके पास 2 tabs अलग से ओपन होती हैं, दैट्स योर डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। बट ये 2 tab आपकी कब खुलेंगी, जब आपका आइदर टेबल इंसर्ट किया है, पिक्चर इंसर्ट किया है, क्लिप आर्ट, चार्ट या स्मार्ट आर्ट वगैरह आप इन चीज़ों को इंसर्ट करें, ठीक है। तो पिक्चर से क्या होगा, अगर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हाँ जी पिक्चर आप कैसे डालते हो, तो पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप कौन से मेन्यू में है, इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ से पिक्चर गैलरी आपकी
आपके पास ओपन होता है कोई एक पिक्चर, आप चूज कर लीजिए, आपकी पिक्चर पेज पे ऐड हो जाती है, ठीक है। आप उस पिक्चर को डिजाइनिंग आप उसकी सेट कर सकते हैं, मीन्स जैसे आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी आपका ये दो टैब्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर मॉडिफिकेशन के लिए बहुत से ऑप्शंस देंगे, जैसे रिसाइज करना, कलरिंग करना, बॉर्डर लगाना, या फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, मीन शेप के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना। तो ये दो टैब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन अराइज होता है ना कि आपके वर्ड में कितने टैब होते हैं, बेसिकली हमारे 7 होते हैं, लेकिन डिज़ाइन और लेआउट टैब आपके तब शो होते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपना इंसर्ट करते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कई बार एनिमेटेड इमेजेस अपने उसमें डालना चाहते हैं, या कोई ऐसी पिक्चर्स जो ऑलरेडी इसकी वोकैबुलरी में पड़ी हुई हैं आपके वर्ड के पास, तो वहाँ पे आपको क्लिप आर्ट से इमेजेस आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट पे इमेजेस डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस पर क्लिक करिए, इसका विंडो ओपन होता है, वहाँ पे सर्च में जो सर्च बार होती है वहाँ पे आपने अपनी मर्जी से वर्ड लिखना है कि आप किससे रिलेटेड पिक्चर जो है वो सर्च कर रहे हैं। सपोज मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर को डालना है, देन जो भी वर्ड मैं सर्च में डालूंगी ना उससे रिलेटेड पिक्चर्स आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। शो होने के बाद आप कोई एक पिक्चर चूज करके उसको डबल क्लिक कर दीजिए तो भी वो डॉक्यूमेंट पे आ जाती है, या फिर क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स। अब चार्ट्स बेसिकली आपके जो है ना एक्सेल सीट में यूज होते हैं, किस लिए, डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब आपने टेबल बनाया है, टेबल फॉर्म में आपने कुछ एक अपना स्टैटिक डाटा दे रखा है या कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तब आप अपने चार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप के चार्ट्स होते हैं, एटलीस्ट आपको 11 टाइप के चार्ट आपके यहाँ मिलेंगे। तो जब भी आप चार्ट इंसर्ट करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक अलग से विंडो ओपन होता है, दैट्स योर एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो आपके पास अलग से ओपन हो जाएगी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डाटा उठा लेती है अपने आप से, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट बने तो आप एक्सेल के उस डाटा में अपना चेंजेस कर सकते हैं, उस विंडो में चेंज करिए और जो भी चार्ट आपको मिला है उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब चार्ट आपका आ गया, चार्ट को उठा के आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये चार्ट चाहिए, क्योंकि जब एक्सेल विंडो शो होती है तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारी मेन विंडो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ मेरा डेटा रहता है एक्सेल साइड में, और एक और विंडो है जहाँ पे मेरे यहाँ पे चार्ट शो होता है जो वर्ड का विंडो होगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और इसको हम क्लोज कर सकते हैं इंसर्ट करने के बाद, क्लियर। फिर अगर आप चाहते हैं चार्ट का शेप चेंज करना है, या चार्ट का टाइप चेंज करना है, या चार्ट में अपने जितने भी लेजेंड्स होते हैं उनको बदलना है, तो वहाँ पे आप डिज़ाइन और लेआउट टैब्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, अब बात आती है आपकी नॉर्मल क्लिप आर्ट की, नॉर्मल सी इमेजेस होती हैं चार्ट की, ये भी आप अपना डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। शेप्स भी आप इंसर्ट करते हैं, बट शेप्स में आपकी बेसिकली 3 और 4 शेप्स चलती हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से 3-4 शेप्स होती हैं। लेकिन जब इन शेप्स को आप 3D इफेक्ट के साथ या 2D इफेक्ट के साथ या कलरिंग इफेक्ट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आपके यहाँ पे जो है वो स्मार्ट आर्ट का यूज होता है, ठीक है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमने मान लो कहीं एरो लगा के शो करवाना है, या हमने कॉम्बिनेशन में अपना शो करवाना है कोई चीज़, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड लुक अगर आपको देना है तो आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा इलस्ट्रेशन ग्रुप नंबर 4, दैट्स योर लिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। तो लिंक्स में आपको वेरियस ऑप्शंस जो मिलने वाली हैं, दैट्स योर, एक आता है आपका हाइपरलिंक, एक आएगा आपके पास बुकमार्क, एंड एक आता है आपके पास क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले हाइपरलिंक, इसका शॉर्टकट आपका राइज होता है, दैट्स योर Ctrl+K, बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है क्वेश्चन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हाइपरलिंक। आपका करता क्या है आपके पास, अब मान लो आप अपने वर्ड में काम कर रहे हैं, काम करने के साथ अपने डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं किसी अनदर डॉक्यूमेंट के साथ मुझे अटैच करना है, मीन्स लिंक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको लिंक प्रिपेयर करना है अपने लिए, कोई वर्ड अगर आप खुद से पहले लिखा हुआ चाहते हैं कि मेरे को इस वर्ड पे लिंक बनाना है, आप उसको सिलेक्ट करिए, हाइपरलिंक ऑप्शन को चूज करिए या Ctrl+K प्रेस करिए, ओके, लिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, मींस ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
सपोज मुझे अपना कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट अटैच करना है या मुझे कोई कॉरल ड्रॉ का फाइल अटैच करना है, तो इस तरह से मान लो मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट अपना उठाया एक्सेल का, ठीक है, उस फाइल का नेम जैसे यहाँ पे चूज करेंगे आप, लिंक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो वर्ड, सपोज मैंने क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने लिखा है क्लिक हेयर, इस वर्ड पे हम लिंक बना रहे हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा एंड अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, लिंक प्रिपेयर किस डॉक्यूमेंट के लिए, जो एक्सेल का और डॉक्यूमेंट आपने अपने ऑब्जेक्ट में से चूज करा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने का भी नॉर्मल नहीं होता है वर्ड में कि जस्ट गए और क्लिक किया और ओपन हो गया, नहीं, आपका वर्ड लिखा था क्लिक हेयर। लिंक ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, अपने माउस को यहाँ लेके जाइए, कंट्रोल की को प्रेस करिए, तो कंट्रोल की साथ में होल्ड करके रखना है और साथ में आपने माउस से क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो माउस पॉइंटर आपका यहाँ क्लिक हेयर के ऊपर होगा वो पॉइंटिंग फिंगर हैंड शेप में कन्वर्ट होता है, देन पॉइंटिंग फिंगर हैंड शेप में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर योर वर्क, ओके। आप इसमें क्लिक करिए और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट ओपन होगा, एक्सेल डॉक्यूमेंट जो हमने अटैच करा है, दैट्स योर हाइपरलिंक। मींस हाइपरलिंक आपका मेनली करता क्या है, एक्सटर्नल फाइल्स को अटैच करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइपरलिंक क्या होता है, मींस आपके सारे लिंक का काम करेंगे, क्योंकि लिंक टैब के अंदर आते हैं, तो हाइपरलिंक करता है एक्सटर्नल फाइल को अटैच, ओके। सेकेंड आता है आपका बुकमार्क। अब बुकमार्क का क्या होता है, अब डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं किसी एक वर्ड या किसी एक जो भी आपकी लाइन, कोई भी जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उसको एक मार्क प्रोवाइड करवाना है, या फिर आप सिंपली याद रखेंगे आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड करवाना है, किसी एक वर्ड के लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक वर्ड सिलेक्ट करिए, अगेन बुकमार्क पे क्लिक करिए। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास, ऐड बुकमार्क, ठीक है। आप अपना नेम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं तो जो वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उस पर सेम बुकमार्क भी बना सकते हैं। जैसे ऐड बुकमार्क करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर एक आइडेंटिफिकेशन प्रिपेयर हो जाता है, आपको शो तो नहीं होगा अपने डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, लेकिन जब भी आप अपने लिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे उसी में आपका बुकमार्क ऑप्शन साथ में रहता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने इस डायलॉग बॉक्स में बुकमार्क को क्लिक करके अपने उस बुकमार्क पे जो भी आपने बनाया है, सपोज मान लो किसी भी नेम से हमने बना दिया है, ठीक है, जब आप इस बुकमार्क पे क्लिक करेंगे आपका पूरे पैराग्राफ में कर्सर आपका डायरेक्ट उस पोजीशन पे जंप आउट करेगा, ठीक है। मींस कर्सर को पता है कि इस वर्ड का कोई एक आइडेंटिफिकेशन आपने दिया हुआ है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहे टॉप पे काम कर रहे हैं, चाहे बिल्कुल बॉटम में काम कर रहे हैं, चाहे सेंटर में काम कर रहे हैं, क्लियर। अगर आप अपने बुकमार्क पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर वर्ड जिस पे बुकमार्क प्रिपेयर हुआ है उस पे जंप कर जाते हैं, तो मींस आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो जंप करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप अपना बुकमार्क जो है प्रिपेयर करते हैं। थर्ड ऑप्शन आप क्या आती है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, अब हाइपरलिंक के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये एक्सटर्नल लिंक को ज्वाइन करता है। क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए हम लोग समझते हैं टर्म से इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मीन्स लिंक विद इन योर करंट डॉक्यूमेंट, मीन्स आपके पास एक डॉक्यूमेंट बना पड़ा है, ठीक है, उसमें आपने सबसे ऊपर अपना इंडेक्स प्रिपेयर किया है, क्लियर। इंडेक्स मीन्स वहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिटेल होगी कि हाँ जी चैप्टर वन आपका कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक है, बट अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे बीच में चैप्टर्स को देखना है तो आपको बहुत से पेजेस को जो है वो स्क्रॉल अप करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस का जो है वो कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में आपको जैसे कोई टेबल पे आप अपना लिंक बना रहे हो या किसी टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स इंडेक्स पे आप अपना लिंक बना रहे हो, तो उस हिसाब से आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज मुझे चैप्टर वन का डाटा देखना है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ये चैप्टर वन उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंटर आपका वहाँ जंप करके पहुँच जाएगा जहाँ पे आपका चैप्टर वन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो मीन्स इसमें आपने ध्यान रखना है लोकेशन आपको जो है वो ये प्रोवाइड करवाएगा अपने पॉइंटर के लिए, बट विद इन करंट पेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, आपका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक प्रोवाइड करवाता है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का एड्रेस देता है, दैट्स योर कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अराइज होता है क्वेश्चन।
बुकमार्क आपका किसी एक वर्ड के लिए आइडेंटिफिकेशन देता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को चाहते हो कि वो थोड़ा सा मेरा कर्सर जब भी मैं चाहूँ तो वहाँ पे जंप करके मेरा जो है वो पहुँचे, तो वहाँ पे आपका बुकमार्क यूज़ होता है। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस जो इंटरनल लिंक वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं, यहाँ आप एक ही पेज के अंदर जो है वो लिंक्स को प्रिपेयर करते हैं। ये तब यूज़ होता है जब एक डॉक्यूमेंट आपका बहुत से पेजेस वाला बन जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको वेरियस लोकेशन मतलब मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लिंक बनाना है, मल्टीपल लिंक्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप आता है दैट्स योर हेडर फुटर। नेक्स्ट है मेरे पास हेडर फुटर ग्रुप, ओके। हेडर फुटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये हेडर फुटर कौन से ग्रुप में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना हेडर का, क्योंकि इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। हेडर एक मिलता है आपको, इसमें फुटर जिसमें अंदर टूल मिलते हैं, ठीक है। थर्ड आपको मिलता है पेज नंबर। तो अब क्वेश्चन अराइज होते हैं अगर पेज नंबरिंग आप अपना करना चाहते हैं, आप कौन से ग्रुप में जंप करेंगे, कौन से ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपका हेडर फुटर ग्रुप आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है जो इंसर्ट टैब का है, ठीक है। तो हेडर मींस अगर आप अपने पेज के टॉप पे कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मींस हेडर क्या होता है आपका, जो आपका टॉप मार्जिन होता है पेज का, वहाँ से लेकर के स्पेस आपका जो जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में कुछ राइट कर रहे हैं, जो आप वर्ड लिख रहे हैं कुछ, तो मींस टॉप ऑफ द पेज से लेकर के जो आपका जहाँ पे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं वहाँ तक का पूरा स्पेस आपका हेडर में आता है। और फुटर सेम एज फुटर ये चीज़ बिलो से कवर अप करता है, तो ये बॉटम ऑफ पेज में लिखा जाएगा, बॉटम ऑफ पेज, बॉटम एज से लेकर के जहाँ पे आपका बॉटम मार्जिन ख़त्म होता है, ठीक है। तो हेडर फुटर आपके हेडर टॉप में रहेगा और फुटर आपका बॉटम में रहेगा। हेडर से आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं जैसे मैंने अपना पेज में टाइटल ऐड करना है, या फिर अपना ऑथर का नेम ऐड करना है, या फिर अपना पेज नंबर्स भी ऐड करने हैं, डेट वगैरह शो करवाना है, दैट्स योर हेडर। बट हेडर और फुटर क्वेश्चन अराइज होता है कि बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर कहाँ पे आपके होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे पेजेस पे ये शो होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें वेरियस ऑप्शन से कर सकते हैं कि कौन से पेज पे शो करवाना है, कौन से वाले पे नहीं करवाना है। मींस अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेडर फुटर हो रहे चाहिए तो वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज एक हेडर फुटर जब भी आप बना देते हो तो वो हेडर फुटर आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फुटर जो पेज का बॉटम होगा, यहाँ पे कई बार हम अपना जैसे रेफरेंस प्रोवाइड करवा देते हैं कि कहाँ से हमने बुक के लिए डाटा को जो है वो चूज़ करा है, या अपना पेज नंबर हम शो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फुटर में और हेडर में, ठीक है। टॉप एंड बॉटम में अगर कुछ ऐड करना है दैट्स योर हेडर फुटर यूज़ होंगे। और एक आता है आपका पेज नंबर, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का नंबरिंग करना है तो पहले पेज पे आप नंबर दे दीजिए, हाँ जी, बस पेज नंबर का जस्ट आपको पोजीशन चूज़ करना है कि पेज नंबर आपने कहाँ डालना है, टॉप में डालना है, बॉटम में डालना है, लेफ्ट राइट मिडिल, आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको पोजीशन चूज़ करना है कि पेज नंबर कहाँ पे डालना है, बाकी एक डॉक्यूमेंट के एक पेज पे अगर पेज नंबर डाल देते हैं आपके बाकी पेजेस पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। बाकी हेडर फुटर का डायलॉग बॉक्स जो होता है टोटल, उसमें आप लोग इवन ऑड पेजेस के कंसेप्ट में भी हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक पेज पे भी हेडर फुटर अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका हेडर फुटर के बारे में। नेक्स्ट आपका ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले तो यहां पे आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल टाइपिंग को छोड़ के स्पेशल टेक्स्ट आपने किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में रख के ऐड करना, मीन्स उसको आप उठा के कहीं पे भी फिर प्लेस आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको वेरियस टेक्स्ट बॉक्सेज आपका लेआउट से शो होता है, आपने लेफ्ट में ऐड करना है, राइट में करना है, टॉप मिडल बॉटम, तो हर जगह पे आप अपना टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लगा सकते हैं और उसमें अपना एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है वो शो करवा सकते हैं। सेकेंड इसमें ऑप्शन मिलता है दैट्स योर क्विक पार्ट्स। अब ये जो क्विक पार्ट्स ऑप्शन है ये क्यों यूज़ होता है, अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रीयूज़ हो रही है, ठीक है,
तो रीयूजेबल थिंग्स को या रीयूजेबल जो भी आपका डाटा है उसको बार बार जो आप यूज कर रहे हैं उसको डालने के लिए क्विक पार्ट यूज होता है। तो जैसे आपका मान लो ऑथर का नेम है, हर पेज पे ऐड होना है, ऑथर नेम हो गया या फिर आपका पब्लिश डेट हो गया, इस तरह से जो भी डाटा होगा वो आप क्विक पार्ट में अपना ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स के बाद टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट के बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन आपको मिलता है, दैट्स योर ड्रॉप कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप आपका होता क्या है। तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर किया है, तो फर्स्ट करेक्टर मेरा चाहती हूँ मैं कि बड़ा सा शो होना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर्स में कई बार होता है, मान लो मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है तो फर्स्ट करेक्टर बड़े साइज में होगा और फिर आपका करेक्टर इस तरह से जो है वो लिखना शुरू होता है। तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज होता है कि बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप कैप आप करते हो वो कितनी लाइंस का जो है वो करेक्टर स्पेस लेता है। तो यहाँ पे आप 10 लाइंस तक का स्पेस अपना दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 10 लाइंस मैक्सिमम जाएंगी, बाकी मिनिमम में आप 3 लाइंस से बाय डिफॉल्ट चलता है, ठीक है। जब भी आप ड्रॉप कैप अपना प्रिपेयर करते हो तो 3 लाइन का स्पेस ये एक करेक्टर जो है वो कवर अप करता है, क्लियर। ड्रॉप कैप के बाद आपका आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आप इसमें डाल सकते हैं, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि मेरे वर्ड का जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको थोड़ा सा स्टाइलिश मॉडिफाइड वे में, अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना है, देन आप यहाँ से वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। वर्ड आर्ट में क्या होगा, वर्ड आर्ट गैलरी आपको ओपन होती है, तो यहाँ से आपने कोई एक स्टाइल या कोई भी एक आर्ट आपने अपना चूज करना होता है, और उस जैसे आपको ये चूज करते हैं आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट एंटर करना है और इसका साइज डिक्लेयर करना है। तो जब भी आप अपने वर्ड में काम करते हैं तो साइज लिमिट आपकी चलती है 8 से लेकर के 72। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि साइज फॉन्ट का कितने से कितने तक चलता है, तो मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 72 तक का साइज आपका इसमें आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपने लास्ट में ओके करना है और आपका वर्ड आर्ट वो स्टाइलिश टेक्स्ट आपका आपके डॉक्यूमेंट में शो हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इंसर्ट ऐप के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। टेक्स्ट ग्रुप के बाद वैसे आपका सिंबल्स ग्रुप आता है, लेकिन टेक्स्ट ग्रुप में और भी एक आपका इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट्स योर डेट एंड टाइम। तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने अगर अपने वर्ड पेज में करंट डेट और करंट टाइम को ऐड करना है तो आपका कौन सा कमांड यूज होता है, तो टेक्स्ट ग्रुप का डेट एंड टाइम आप इसमें ऐड करते हैं। अगर आपने इनका शॉर्टकट आपसे पूछा जाता है, दैट्स योर ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी एंड ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी, तो करंट डेट और करंट टाइम डालने के लिए पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपका शॉर्टकट आपका इसमें यूज होगा। और इसमें क्या चीज आएगी, एक आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन होती क्या है आपकी, ठीक है। सिग्नेचर लाइन आप वहां पे यूज करते हैं, जैसे आप अपना कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपको लेटर के बिलो मिड में जहां भी आपका आपके नेम के अकॉर्डिंग सिग्नेचर लाइन जो है वो प्रोवाइड करवाना है, मीन्स यहाँ पे आपकी लाइन इस तरह से शो होती है। अब आपने उस सिग्नेचर लाइन के लिए एक नेम प्रोवाइड करवाना होता है, नेम आपका यहाँ शो होता है, तो आप इसमें ऑनलाइन सिग्नेचर का फैसिलिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें वेरियस ऑब्जेक्ट जो हमने पहले के ग्रुप्स में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे ऐड करने हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में आप करंट कोई और डाटा या कोई और चीज़ आप इसमें अटैच करना चाहते हैं, जैसे कोई एक्सेल का शीट आपने अटैच करना है, एक्सेस का डाटा आपने अटैच करना है या पावर पॉइंट को कोई प्रेजेंटेशन अटैच करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सिंबल ग्रुप पे। सिंबल ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप चाहते हैं कि कोई इक्वेशन प्रिपेयर करना है, जैसे आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई इक्वेशंस टाइप कर रहे हैं, तो आप सिंबल ग्रुप के इक्वेशन ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ बनी बनाई इक्वेशंस में मिलते हैं, आप उनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी इक्वेशन अपनी नई भी टाइप कर सकते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट रहेगा आपका ऑल्ट प्लस ई, ठीक है। इसके बाद आपके पास इक्वेशन के साथ साथ इसमें आपको सिंबल्स मिलते हैं, क्योंकि कई बार जब हम टाइप करते हैं तो हमें कुछ एक ऐसे सिंबल्स डालने होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, तो बने बनाए सिंबल्स आप अपने सिंबल ग्रुप के सिंबल ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंसर्ट टैब के बारे में।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना पेज लेआउट टैब। इंसर्ट ग्रुप के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टैब मेरे पास आती है पेज लेआउट। तो सबसे पहले तो पेज लेआउट टैब को ओपन करने के लिए जो आपका कीबोर्ड का की कौन कौन सा आपने प्रेस करना है, दैट्स योर ऑल्ट प्लस पी। ऑल्ट के साथ पी जब भी आप प्रेस करेंगे आपकी पेज लेआउट की सारी ऑप्शंस जो हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें भी आपको वेरियस ग्रुप्स मिलते हैं, जैसे आपके टेबल्स ग्रुप में सॉरी इंसर्ट ग्रुप टैब में मिले। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मुझे कौन कौन से ग्रुप्स मिलते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप मेरा आता है थीम्स। फर्स्ट सबसे पहले नंबर पे जो ग्रुप होगा दैट्स योर थीम्स। अब थीम्स ग्रुप आपको क्या प्रोवाइड करेगा, थीम्स ग्रुप से आप अपना कलर थीम बैकग्राउंड कलर इस तरह से कुछ एक सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कलर चूज कर सकते हैं या पेज का थीम कलर अलग से चूज कर सकते हैं कि सारे, क्योंकि थीम जो होती है ना वो सारे पेजेस पे अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट के, तो इस तरह से आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना बैकग्राउंड कलर्स आप अपना चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स। तो ये सब चीज़ें तो जस्ट आपको किसके लिए यूज़ होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करना है, तो जहाँ पे भी नीड पड़ता है पेज का कलर देने का या सारे पेजेस में एक तरह का थीम यूज़ करने का, तो वहाँ पे आप अपना थीम्स ग्रुप को जो है वो यूज़ करते हैं। सेकेंड ग्रुप इसमें आता है दैट्स योर पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पेज सेटअप ग्रुप में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पेज सेटअप ग्रुप में आप अपने पेज का साइज, पेज का बॉर्डर, पेज का कलर, इस तरह से बहुत सी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पेज कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है, पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं, आप अपना पेज का साइज आप अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद पेज का मार्जिन वगैरह वो सब कुछ इसमें आता है आपके पास। तो पेज कलर्स जैसे ही आप चूज़ करेंगे आपको वेरियस कलर्स आपके शो होंगे, आपने कोई एक कलर अपना जो है वो यूज़ कर लेना है अपने पेज पे कलरिंग करने के लिए। पेज बॉर्डर, पेज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपका ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में कोई एक इमेज दे दो, कोई एक कलर या कुछ भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप अपना पेज का साइज़, कौन से साइज़ का पेज आप चूज़ कर रहे हो, A4 है, A5 है या लेटर साइज़ है, किस टाइप का पेपर आप अपना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक इसमें जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है जी। पेज ओरिएंटेशन आपकी टू टाइप की होती है, ठीक है, एक होता है आपका पोर्ट्रेट और एक होता है आपके पास लैंडस्केप। पेज ओरिएंटेशन का मीनिंग कि आप अपना काम करने के लिए पेज को किस वे में यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट वे में यूज़ कर रहे हैं या लैंडस्केप वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन, या फिर क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि पोर्ट्रेट आपके पास क्या है या लैंडस्केप आपके पास क्या है। तो पोर्ट्रेट क्या होता है, व्हेन योर पेज इज यूज्ड एज वर्टिकल पोजिशन, दिस वन इज योर वर्टिकल पोजिशन, जब आप अपने पेज को इस टाइप में यूज़ कर रहे हैं दैट्स योर पोर्ट्रेट, और जब आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजिशन में यूज़ कर रहे हैं दैट्स योर लैंडस्केप। तो आप लोगों के पास जब पेज इस वे में आपका यूज़ हो रहा है, मीन्स टॉप टू बॉटम आप उसको वर्टिकल पोजिशन में यूज़ कर रहे हैं, और जब पेज का इस वे में यूज़ कर रहे हैं मीन्स यहाँ पर क्या है, लेफ्ट टॉप टू बॉटम आपका लेंथ ज़्यादा है और लेफ्ट टू राइट आपका छोटा रहेगा, और सेम हेयर लेफ्ट टू राइट सॉरी टॉप टू बॉटम आपका कम है और लेफ्ट टू राइट आपका साइज़ बड़ा है। तो ये आपकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप की आपकी ओरिएंटेशंस होती हैं। और आपको पेज सेटअप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को या जो भी आपका डाटा है उसको कॉलम्स में डिवाइड करना है, मीन्स अब आप चाहते हैं कि न्यूज़पेपर स्टाइल में जब आपने अपने टेक्स्ट को लिखना है तो कॉलम फॉर्म में अगर डाटा चाहिए इस तरह से कि आधा डाटा इस साइड आ गया, आधा डाटा इस साइड आ गया, तो 2, 3, 4 कितने भी कॉलम्स आप बना सकते हैं। तो एक आपको मिलते हैं यहाँ पे कॉलम्स,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर स्टाइल में अगर आपने टेक्स्ट को लिखना है तो आप कॉलम ऑप्शन को चूज़ करते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। आप इन कॉलम्स का साइज़ और कॉलम्स का नंबर अपने हिसाब से जो है वो सेटअप कर सकते हैं, कितने कॉलम्स आपको चाहिए, लेफ्ट साइड में ज़्यादा चाहिए, राइट साइड में आपको थोड़ा बड़ा कॉलम चाहिए, इस हिसाब से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप में या पेज सेटअप जो आपका डायलॉग बॉक्स या ग्रुप जो भी होगा उसमें आप अपना लाइन नंबर्स, लाइन नंबरिंग आप इसमें कर सकते हैं। लाइन नंबरिंग का मतलब क्या है कि जब भी आपने अपने वर्ड पे काम करा है और जो भी आपने अपना टेक्स्ट लिखा है उसके आगे ऑटोमेटिकली लाइंस के आगे इस तरह से नंबरिंग आएगी। जितना भी आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे उसमें आपके पूरे पेज पे जो है वो लाइन में नंबरिंग आएगी। लेकिन ये नंबरिंग आपकी कब एक्टिवेट होती है, जब आपने लाइन नंबर वाली ऑप्शन को जो है वो एक्टिवेट किया होता है। ठीक है, एक और इसमें ऑप्शन मिलता है, दैट्स और हाइफन नेशन आपकी क्या करती है, अब कभी आप काम करते हैं, आपने जब भी वर्ड में काम करना है आप अलाइनमेंट सेट करते हैं कि मुझे इस अलाइनमेंट के हिसाब से काम करना है, लेकिन लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में तो ऐसा होता है कि राइट साइड में लिखते लिखते अगर कोई वर्ड आपका हाफ वर्ड यहाँ रह जाता है और हाफ वर्ड आपका नेक्स्ट लाइन में आता है, कई बार वो वर्ड पूरा इकट्ठा या तो पीछे लिखा जाएगा या आगे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे दोनों साइड से बराबर स्पेस आपका कवरअप होता है, तो वहाँ पे हमें हाइफनेशन का नीड पड़ता है। सपोज़ मैंने एक स्पेलिंग लिखा है, ये मेरा पूरा पेज है और मान लो मैंने स्पेलिंग लिखना है एजुकेशन, तो EDU मेरा यहाँ पे आ रहा है, TATION मेरा आधा वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, तो अगर हाइफनेशन ऑप्शन को आप जो है वो एक्टिवेट करते हैं तो इसके आगे ऑटोमेटिकली इस तरह से ये डैश लगा हुआ आएगा, ये हाइफन लगा हुआ आएगा, तो जहाँ पे आपके वर्ड स्प्लिट हो जाते हैं मीन्स आधा एक लाइन में और आधा दूसरी लाइन में, तो वहाँ पे आप हाइफनेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज सेटअप और थीम्स के बारे में किया, थीम्स में आपको क्या क्या मिला, जैसे आपने अपने पेज का थीम सेट करना है, कलरिंग वगैरह करना है, तो थीम्स जब भी आप चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको वेरियस कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपनी थीम भी जो है इसमें जो सेव कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें जैसे आपका फॉन्ट होता है कि फॉन्ट किस टाइप का आपने लेना है, ठीक है, कौन से टाइप का फॉन्ट लेना है, फॉन्ट का नेम या जिसको हम फेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ है कि फॉन्ट फेस कौन सी कैटेगरी में आता है या फॉन्ट फेस आपका क्या है। ठीक है, तो फेस जो वर्ड है वो फॉन्ट फैमिली से रिलेट करता है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पुट हो सकता है। ठीक है, फॉन्ट का कलर जो आपके टेक्स्ट का रहेगा और आप वेरियस इफेक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने किस टाइप का इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आप फॉन्ट चूज करते हो, थीम एक चूज कर लेते हो, उस थीम के अकॉर्डिंग, उस थीम का जो भी कलर्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके इफेक्ट्स भी आगे शो होते हैं। ठीक है, तो आप अपने 3D इफेक्ट, 2D इफेक्ट या और भी वेरियस इफेक्ट्स होते हैं, आप कोई भी इफेक्ट अपना चूज़ करके अपने पेज पे डाल सकते हैं। और सेकंड, जो पेज सेटअप था बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे जो आपकी ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन ये आएगा, हाइफनेशन कहाँ मिलती है ये आ सकता है, कॉलम्स वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कॉलम्स आप कहाँ से चूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये पेज सेटअप ग्रुप जो है वो फिनिश होता है। अब हम करते हैं मूव ऑन अपने नेक्स्ट ग्रुप पे। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया पेज सेटअप और थीम्स, अब हम करेंगे पेज बैकग्राउंड। पेज सेटअप में वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा स्किप हुआ है जो आता है आपका, क्योंकि पेज सेटअप में ही आप लोग पेज की वेरियस सेटिंग करते हैं, मार्जिन हो गया, बॉर्डर, बॉर्डर तो यहाँ पे आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन पेज सेटअप में हाइफनेशन, लाइन नंबरिंग, वो सब चीज़ें आपकी होती हैं, तो एक यहाँ पे था हमारा कि मार्जिन। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, मार्जिन बाई डिफ़ॉल्ट कितना रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्जिन बाई डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, तो 1 इंच मार्जिन आपका, ठीक है, 1 इंच, इसको वैसे इंच का ही सिंबल बोलते हैं, ऐसे मैं आपको ऐसे लिख के बता देती हूँ, 1 इंच का मार्जिन आपका 4 साइड से रहता है, आपकी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पेज मार्जिन बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो कितने साइज उसका रहता है, बाकी तो हम चेंज कर सकते हैं अपने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जा करके। और ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर की है, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स को अगर आपने ओपन करना है तो आपको अपना
राइट साइड में एक डाउनवर्डेड एरो होता है, उस पर क्लिक करना होता है और वो उस ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स को जो आपको शो करवा देता है, अगर डायलॉग बॉक्स उसका अवेलेबल है तो. ठीक है, उसके बाद आता है मेरा पेज बैकग्राउंड. पेज बैकग्राउंड में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि आप अपने पेज के बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं. तो पहला, सबसे पहली ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, दैट्स योर वाटर मार्क. वाटर मार्क, अब ये वाटर मार्क क्या होता है, आपने कई बार कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे या कई ऐसी डायरीज देखी होंगी कि उनमें आपको पेज तो बना होता है, लिखने के लिए स्पेस आपको दिया होता है, लाइन्स लगी होती है, लेकिन उनके जो मतलब पेज पे किसी को ये मतलब ऐसे शेडिड्स आप फेडिड सी एक इमेज आपकी आती है या कई बार कोई टेक्स्ट आपका लिखा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क. वाटर मार्क मीन्स जो आप अपने पेज के बैकग्राउंड में देते हैं. क्लियर, यहाँ पे आप लोग वाटर मार्क को चूज़ भी कर सकते हैं, बने बनाए वाटर मार्क होते हैं वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम वाटर मार्क करके एक ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके जो है वो अपना वाटर मार्क भी क्लियर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज पे जो भी मेरे डॉक्यूमेंट होगा या जो भी मैं मान लो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मेरे जितने भी रिपोर्ट के पेजेस हैं उनमें मेरा लोगो जो है वो शो होना चाहिए बैकग्राउंड में. तो कस्टम वाटर मार्क में आप अपनी इमेज भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपना कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं. उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो इसमें मिलता है वाटर मार्क के बाद, दैट्स योर पेज बैकग्राउंड में पेज कलर. ठीक है, तो आप यहाँ पे पेज कलर सेट कर सकते हैं, बट ये बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो पेज का मतलब पेज कलर आप सेट कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू जो भी पेज कलर आप लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो पेज कलर आप उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, तो पेज कलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कलर पैलेट आपका ओपन होगा, आप कोई एक कलर अपनी मर्जी से चूज़ कर लीजिए और वो आपके पेज का जो पूरा कलर सेट कर देता है. पेज बैकग्राउंड में एक ऑप्शन हो गया आपका वाटर मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा जा सकता है कि वाटर मार्क आपको कहाँ मिलता है या पेज कलरिंग आप कहाँ से सेट करते हैं, क्योंकि पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड दोनों डायलॉग बॉक्सेस अलग अलग हैं. यहाँ से आप अपनी सेटिंग करते हैं, फॉन्ट मतलब मार्जिन कितना रहेगा, हाइफनेशन लगाना है, कॉलम में लिखना है या नहीं लिखना है, बट यहाँ पर आप जस्ट थोड़ा सा अपना अट्रैक्टिव बनाते हैं, कलरिंग वगैरह करने का काम करते हैं. ठीक है, तो वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क, और एक हमने डिस्कस किया अपना पेज कलर. इसके साथ आप इसमें पेज बॉर्डर भी सेट करते हैं, पेज बॉर्डर. अब ये पेज बॉर्डर या बॉर्डर के ऑप्शन आपको अपने होम टैब में भी मिलती है, तो यहाँ से आप अपने पेज के लिए बॉर्डर जो है सेट करवा सकते हैं. आप चाहें तो सिर्फ लेफ्ट साइड से बॉर्डर लगाएं या फिर आप राइट साइड में बॉर्डर लगाएं, मीन्स किसी एक साइड में या ऑल साइड्स में, या फिर आप अपना आर्ट बॉर्डर भी इसमें दे सकते हैं. मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम लोग आर्ट बॉर्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है, डेकोरेट करने के लिए. तो यहाँ पे आपको आर्ट बॉर्डर लगाने के लिए आर्ट ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके इसका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पे आपने अपना कस्टम बॉर्डर मीन्स चूज़ करना है. आप इसमें चाहे कोई इमेज चूज़ कर लीजिए या कोई बना बनाया आर्ट इसमें चूज़ कर लीजिए. ठीक है, लगाने के बाद आपका पेज बॉर्डर पे जो है वो ऑटोमेटिकली ये शो हो जाता है. ठीक है, पर एक बार आपने बॉर्डर लगा दिया किसी एक पेज के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे वो बॉर्डर जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आता है पैराग्राफ. अब इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, इस ग्रुप में आपको टेक्स्ट रिलेटेड सारी एडिटिंग करने का ऑप्शन मिलता है. मींस पैराग्राफ को लेके कैसे आपने पैराग्राफ को मॉडिफाई करना है. तो सबसे पहली ऑप्शन जिसमें मिलती है, दैट्स योर पैराग्राफ. एक आता है आपका लाइन स्पेसिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, लाइन स्पेसिंग को लेके बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, लाइन स्पेसिंग होता क्या है, तो टू लाइंस के बीच में जो ये स्पेस होता है ब्लैंक, दैट्स योर लाइन स्पेसिंग. बाई डिफ़ॉल्ट आपका कितना साइज रहता है, 1.0 लाइन स्पेसिंग आपकी रहती है. आप लाइन स्पेसिंग को अलग अलग अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो नॉ अगर आप करते हैं बिल्कुल ज़ीरो मीन्स तो कोई भी स्पेस आपका नहीं आएगा. अगर आप मतलब इसके लिए शॉर्टकट रहते हैं अलग अलग, अगर आप करते हैं कंट्रोल प्लस वन तो आपका 1.0 स्पेस इसमें आपका ऐड होगा. अगर आप करेंगे कंट्रोल प्लस ज़ीरो देन नो स्पेस. ठीक है, अगर करते हैं कंट्रोल प्लस टू तो डबल लाइन का स्पेस आपके पास आएगा. अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस फाइव तो ये 1.5
इंच का लाइन स्पेस आपके पैराग्राफ में देता है, ठीक है। तो ये है आपका लाइन स्पेसिंग। 1.0 आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि बाय डिफॉल्ट लाइंस के बीच में और मार्जिन्स का जो है वो स्पेस क्या रहता है आपका। ठीक है, लाइन स्पेसिंग के साथ आपको मिलेगी इंडेंटिंग का ऑप्शन ग्राफ में, तो यहाँ पे आप इंडेंट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। इंडेंट हमने होम टैब में पहले भी डिस्कस किया है, तो आपका ये लेफ्ट बॉर्डर से मतलब कितना स्पेस आपने टेक्स्ट तक रखना है और राइट साइड से कितना स्पेस आपने टेक्स्ट तक रखना है, दैट्स योर इंडेंटिंग। अगर आप इंडेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट रहेगा, और डिक्रीज कर रहे हैं देन आपका ये कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका गटर मार्जिन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत बार क्वेश्चन अराइज हुआ है कि गटर मार्जिन होता क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज गटर मार्जिन एंड बाय डिफॉल्ट ये कौन से साइड में ऐड होता है, ठीक है। तो गटर मार्जिन होता है कि आप अपने इंडेंट के साथ जब भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना चाहते हैं उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, एक्स्ट्रा स्पेस एडेड विद इंडेंट, और ये आपका अपने आप से लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट मार्जिन या लेफ्ट इंडेंट जो भी आपका रहता है वहाँ पे आपका गटर मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड रहता है यहाँ पे, क्योंकि किस लिए ऐड रहता है, जब भी आप अपने पेपर्स को बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो लेफ्ट साइड से उसका बाइंडिंग होता है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस का नीड पड़ता है, इसलिए आपका ये गटर मार्जिन का कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है। तो ये था मेरा पैराग्राफ ग्रुप। उसके बाद मेरा आता है लास्ट, नेक्स्ट मेरे पास आता है ग्रुप अरेंज, ठीक है। लास्ट ग्रुप है आपका पेज लेआउट का। अरेंज ग्रुप आपका कब यूज होता है, ऐसे ये ग्रुप हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन जब आप अपने पेज में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स कि कोई आप अपनी शेप डाल रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल शेप्स आप यूज कर रहे हो और कोई एक पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तब आपका अरेंज ग्रुप जो है हाईलाइट होता है। कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, जैसे आपने अपनी शेप्स को मिला के कोई एक इमेज बनाई है, मल्टीपल इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो, तो वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे आपका हो गया ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, या फिर इमेज के साथ आपने टेक्स्ट भी लिखा है तो टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। उसके बाद आपको मिलती है ग्रुप करने के ऑप्शन, एक आपको इसमें मिलता है जिससे आप अपने मल्टीपल शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप आपने एक्टिवेट किया है देन जब दूसरी बार आप इसको देखते हैं देन अनग्रुप का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। एक आपको इसमें मिलता है रोटेट, रोटेट से आप अपनी जो भी शेप होती है ना उसको किसी भी एंगल पे जो है वो रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अरेंज ग्रुप के बारे में। इसी के साथ आपका पेज लेआउट टैब भी आपका फिनिश होता है। आई होप आपको आज के दोनों टैब इंसर्ट और पेज लेआउट समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।